ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये कनेर के फ्लावर हैं। कनेर एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये इसकी फ्लावरिंग जो है गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा होती है। इसके कई कलर होते हैं, इसमें वाइट भी होता है, ये आपको पिंक नज़र आ रहा है, और इसमें एक और भी कलर है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर एक जो और कलर है ना इसका, वो ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी अभी दूसरा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसका एक ये पिंक कलर भी है, और भी इसके कई कलर होते हैं। ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और कनेर जो है, और ये इसके फ्लावर जो है ना बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं देखने में। ये असल में गर्मियों का पौधा है और ये इसमें बर्ड्स भी देख रहा हूँ ना, समर सीज़न में इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए कलर कितना खूबसूरत कलर है, ये फ्लावर का कलर, और इसमें वाइट भी होता है। यहाँ अभी इस वक्त वाइट नहीं है, ये दो कलर आपको नज़र आ रहे होंगे, पिंक और वो थोड़ा सा रेडिश है कलर। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। और इस अच्छा अगर हम सॉइल की बात करें ना, तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल में ये पौधा जो है बहुत अच्छे तरीके से चलता है और इसकी नशोनुमा भी बहुत अच्छी होती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब होता है कि पानी जो है वो अगर हम पॉट में लगा रहे हैं ना, तो पानी उसमें ठहरे नहीं। अच्छा, इसको सॉइल जो है वो पोरस होनी चाहिए अगर हम इसे गमले में लगा रहे हैं तो। ये तो ज़मीन में लगा हुआ है। इसके अलावा ये कि अगर हम इसकी पानी की बात करें ना, तो पानी इसको कम ज़रूरत होती है पानी की, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। पानी जो है वो इसको कम दिया जाता है, कम से ये मतलब नहीं है कि अगर गर्मी के दिन है और वो पौधा जो है वो मर ही जाए, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बिल्कुल ही ना दिया जाए और बहुत ड्राई हो जाए उसकी सॉइल, तो फिर वो उसको पौधे को नुकसान पहुंचाता है। अब आप देख रहे हैं बर्ड्स कितनी लगी हुई है ये इसमें, बर्ड्स देख रहे हैं, ये देखो बहुत फ्लावरिंग हो रही है इसमें, और ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। तो नंबर वन तो ये हो गई कि इसकी सॉइल अच्छी होनी चाहिए और सॉइल में अच्छी खाद होनी चाहिए, और इसके अलावा इसे पानी कम देना चाहिए। ये गर्मियों का पौधा है और इसको अगर हम सनलाइट की बात करें ना, तो ये इसको ये सन लविंग प्लांट है और इसको फुल सन की ज़रूरत होती है। तो ये अगर फुल सन में रखा हुआ हो तो इसकी नशोनुमा जो है वो बहुत अच्छी होती है। देख रहे हैं आप इसके फ्लावर कितने हसीन कलर के फ्लावर हैं। तो ये बहुत अच्छा कनेर का पौधा होता है। अच्छा, अगर हम एक तो बात ये हो गई कि ये धूप में, धूप को पसंद करता है और धूप में ये अच्छी तरह से ग्रो करता है, और अगर हम इसको धूप में रखेंगे ना पॉट को, इसके कनेर के पौधे को, तो बहुत अच्छा चलेगा। और ये इसके अलावा इसमें अगर हम इसको दो तरीक़े से हम लगा सकते हैं, इस पौधे को हम दो तरीक़े से लगा सकते हैं। एक तो कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं और नंबर टू जो है सीड्स के ज़रिए। अब देखें मैं आपको बताऊँ सीड्स इसके कहाँ होते हैं। सीड्स आप देखें, ये जो है एक सीड पॉट, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सीड पॉट है। इस सीड पॉट में सीड बनते हैं, ये अभी मैच्योर नहीं है। जब ये ब्राउन सा हो जाएगा ये सीड पॉट, तो इसमें से सीड निकलते हैं और वो उन सीड्स को ग्रो करके हम पौधा उगा सकते हैं। तो देखें जैसे ये भी आपको सीड पॉट नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये भी सीड पॉट है, ये अभी मैच्योर नहीं है, ये थोड़ा सा ब्राउन होगा ना, तो फिर इसमें से सीड निकाल के इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें कितनी सारी इसमें ये सीड पॉट बने हुए हैं। तो सीड पॉट उसी वक्त बनते हैं जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो, और फ्लावरिंग हो रही हो तो सीड पॉट बन जाते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाएं तो उनको निकाल के, सीड पॉट को निकाल के, और सॉरी सीड पॉट से सीड्स को निकाल के ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम चाहते हैं ना इसकी फ्लावरिंग जो है बहुत ज़्यादा हो, तो वैसे तो इसमें देखें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बर्ड्स देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा लगी हुई है, ये देखें बर्ड्स देख रहे हैं कितनी लगी हुई है। तो वैसे तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, लेकिन अगर हम इस चाहते हैं और अच्छी इसकी ग्रोथ हो और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो, तो देखें ये जो फ्लावर खिल चुके होते हैं ना, इनको हमें निकाल देना चाहिए। ये
यानी फ्लावर जो खिल चुके हैं उनको अगर हम निकाल देंगे तो एनर्जी जो इनमें खर्च हो रही होगी ना पौधे की, वो नए फ्लावर बनने में खर्च होगी। तो लिहाजा हम इसको तोड़ देंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये जगह, ये हटा देंगे। ये लगे हुए हैं देखें, ये खिल चुके हैं, ये इसको हटा देंगे हम। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि ये एनर्जी जो अपने अंदर ले रहे हैं फ्लावर खिलने के बाद भी इनको एनर्जी खर्च हो रही है इनमें, वो एनर्जी जो है वो नए फ्लावर बनने में खर्च होगी। ये देखें, ये भी मैं आपको, ये खिलने के बाद हम इसको निकाल देंगे तो ये क्या होगा, इसको ज़्यादा अच्छी स्थिति है और अच्छी फ्लावरिंग होगी। दूसरी बात ये है कि इसमें ना अगर पैड्स लग जाएँ, पेस्ट लग जाएँ, तो पेस्ट के लिए हम सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो नीम ऑयल होती है। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल का डाल के और इसका स्प्रे कर दें तो जो पेस्ट लगते हैं वो इसमें पेस्ट जो है इसके वो ख़त्म हो जाते हैं और पौधा जो है सही तौर पर नशोनुमा करता रहता है। तो ये तो हो गई पेस्ट की बात। अब अच्छा, इसके ना प्रूनिंग हमें इसकी ना अगर हम दिसंबर जनवरी में करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। प्रूनिंग करने से क्या होता है, यानी एक अगर हम इसकी ब्रांच को काटते हैं ना, प्रून करते हैं, तो उस जगह से 2 ब्रांचेस निकलती हैं। तो इस तरह से पौधा जो है वो बहुत घना भी हो जाता है और उसमें जब ज़ाहिर शाखें ज़्यादा बन जाएंगी उसकी पौधे की, तो फिर क्या होगा कि उसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो ये सीड पॉट तो बहुत बने हुए हैं, देखिए ये भी सीड पॉट आपको नज़र आ रहा है ना, और भी ये कितने सारे सीड पॉट बने हुए हैं देखिए, ये सीड पॉट है। तो ये बहुत घना भी हो जाएगा प्रूनिंग करने से और इसकी नशोनुमा भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो प्रून करने से यही होता है कि अगर हम एक शाख को काटेंगे वहाँ से 2 शाखें निकलेंगी, जब 2 शाखें निकलेंगी तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अब ये जो है एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप भी अपने घर में ज़रूर इसको लगाइएगा। इसके खूबसूरत कलर फ्लावर ये देखें, ये देख रहे हैं फ्लावर आप ये, और अभी मैंने जो आपको एक दूसरा भी कलर दिखाया है वो भी बहुत खूबसूरत कलर है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अब ये जो है ये देखिए कितना अच्छा कलर है ये, और इसमें वाइट भी होता है, इसमें एक और भी कलर होता है वाइट कलर जो होता है। तो इसके कनेर पौधे जो होता है कनेर का, उसमें कई कलर के फ्लावर निकलते हैं, मसलन ये कुछ रेडिश कह लें, हल्का रेड कह लें, जो भी कलर आपको नज़र आ रहा होगा, और पिंक कलर जो मैंने आपको दिखाया है, तो ये और वाइट कलर, ये और भी कलर होते हैं, शायद येलो भी होता है, मैंने देखा नहीं है। तो ये एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, गर्मियों का समर सीज़न का बहुत अच्छा प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, और गुच्छों की शक्ल में इसके फ्लावर निकलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कितना खूबसूरत लग रहा है फ्लावर। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। कनेर का पौधा समर सीज़न का बहुत खूबसूरत पौधा, फ्लावरिंग प्लांट, तो आप भी अपने घर में लगाइएगा इसे। चलें फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।